देखो जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। इस डायग्राम में इंडक्टर है रेजिस्टर के साथ, अकेला कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, डीसी बैटरी है और एक की है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने की को दबा दिया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो रेशियो ऑफ करंट आई ऑब्वियसली इसमें ग्रो, करंट इसमें ग्रो करेगा और इसमें चार्जिंग और कैपेसिटर इकट्ठा होगा, या ऐसे समझें कि करंट आई आएगा वो करंट तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होने की कोशिश करेगा, कुछ करंट ऊपर से, कुछ मिड में और कुछ नीचे से ऐसे जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ करंट बताओ सेल में से कितना निकलेगा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे और टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। जीरो में क्या इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी करंट, कॉन्स्टेंट करंट, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब जो स्टार्टिंग हुआ है करंट। तो बैटरी अपना करंट जैसी बाहर निकालेगी, तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, बैटरी जैसी अपना करंट बाहर निकालेगी तो तीन ब्रांचेज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। इंडक्टर तो कहेगा t इज इक्वल टू जीरो पे कि देख मैं, इंडक्टर झगड़ा करता है ना कि भाई मैं तो को पास नहीं होने दूंगा, मैं तो कि तू मेरा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्टर कहता है बिल्कुल जैसी करंट इंक्रीज हुआ कि मैं इस करंट को पास नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं इंड्यूस करंट पैदा करके इस करंट को खत्म कर दूंगा। ऐसा कब, एट टी इज इक्वल टू जीरो। थोड़े टाइम के बाद इंडक्टर को मानना पड़ेगा और करंट इसमें से एंटर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, जब तक स्टेडी करंट नहीं होता तब तक इंक्रीज होता जाएगा, पर स्टार्टिंग में एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर ने मना कर दिया कि मैं करंट को पास होने दूंगा नहीं, तो इंडक्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जो स्विच ऑन करते हैं एक्ट्स एज अ प्योर इंसुलेटर, तो ये करंट को पास होने देगा नहीं। अब करंट कहता है ठीक है ये पास होने देगा नहीं, तो दो ब्रांचेस अभी भी हैं जहां से करंट जाएगा, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, तो करंट इनमें डिवाइड होने की कोशिश करेगा। अब कैपेसिटर ये कहता है देखो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरी तो बिल्कुल चार्जिंग है ही नहीं, तो मैं तो अलाउ करूंगा मेरी चार्जिंग करो क्योंकि करंट इसमें इंक्रीज ही हुआ है, तो कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने देगा और कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं हुई, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर एक्ट्स एज अ प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर है, कहता है भेजो जितना करंट भेजना है मैं अलाउ करूंगा। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट होने सी और आर में, करंट ने देख लिया कि इस ब्रांच में तो रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं हो रही और इसमें ऑफर हो रही है, तो सारा का सारा करंट यहीं से चला गया, तो कैपेसिटर ने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, कैपेसिटर एक प्योर कंडक्टर इतना काम करता है। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जब इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट से जाने होंगे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगा और कैपेसिटर में सारा करंट चला जाएगा, लेकिन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, तो कैपेसिटर कहेगा देखो जी ऐसा है कि करंट कांस्टेंट है और मैं कांस्टेंट डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने दूंगा, तो इनफाइनाइट बहुत टाइम के बाद अब कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा करंट को। अब करंट कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंडक्टर और रेजिस्टर में, इन दो ब्रांचेस में जाएगा, क्योंकि अब क्योंकि कांस्टेंट करंट पे इंडक्टर कहेगा मेरा क्या काम, मेरे को लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सेल तो मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरा करंट आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, स्टेडी करंट है, तो एक्सेल का कोई रोल, इंडक्टर का रोल ही नहीं रहेगा उसमें। तो अब शुरू करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर ने मना कर दिया, इन दोनों ब्रांचेज में इसने कहा कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो सारा करंट इसमें से गया, आर में से पास होके आया, तो कितना करंट हुआ, ई डिवाइडेड बाय आर आंसर, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ई बाय आर आंसर है। और इनफाइनाइट के बाद जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, इंडक्टर में करंट जाएगा नहीं, सॉरी कैपेसिटर में करंट जाएगा नहीं, इसमें और इस ब्रांच में जाएगा, और कांस्टेंट करंट में इंडक्टर का कोई रोल है ही नहीं, तो कुल मिला के लेकिन 3R और 6R रेजिस्टेंस तो है, ये दोनों रेजिस्टेंस, अब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल और इसके साथ इन सीरीज, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली, तो टोटल करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय 3R, और आपको रेशियो ऑफ करंट निकालना है I1 I2, रेशियो निकाल लेना वो I1 है या I2 है, 3:1 इज द आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है आपने।